अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयसिंह आर्य ट्रू मीडिया चैनल द्वारा आयोजित काव्य सरिता के इस आयोजन में आप सभी देश विदेश में जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे होली के इस पावन पर्व पर हमारे बीच देश के चुनिंदा कवियों की टीम उपस्थित हुई है। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देश के लाडले गीतकार कवि भाई रामलोचन कुमार सिंह जी को, वे आए और अपना काव्य पढ़ें। आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे जी भर के देखूं, सुबह की पहली झलक में, आ तुझे जी भर के देखूं, सुबह की पहली झलक में, जैसे हो तुम जैसे हो सुंदर सवेरा, जैसे हो सुंदर सवेरा, दूर से आता फलक में, आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे मैं यूं निहारूं। बंदे क्या, आ तुझे मैं गुनगुनाऊं, दिल की हर दीवानगी में, आ तुझे मैं गुनगुनाऊं, झूम कर दीवानगी में, आ तुझे मैं गुनगुनाऊं, झूम कर दीवानगी में, जैसे कोयल कूकती हो, जैसे कोयल कूकती हो, श्रेष्ठ ऋतु की वानगी में, आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे मैं यूं निहारूं। बंदे हैं दोस्तों, आ तुझे सांसों में भर कर लूं सुगंधित गंध मन में, आ तुझे सांसों में भर कर लूं सुगंधित गंध मन में, जैसे हो फूलों का मौसम, जैसे हो फूलों का मौसम, छा रहा ऋतु राजवन में, आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे मैं यूं निहारूं। बंदे क्या, आ तुझे महसूस कर लूं तन बदन की हर छुवन में, आ तुझे महसूस कर लूं तन बदन की हर छुवन में, जैसे हो पूरी वो चाहत, जैसे हो पूरी वो चाहत, जो अधूरी थी मिलन में, आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे मैं यूं निहारूं। और गीत का अंतिम बंद देखा, आ तुझे चूमू कि जैसे प्रेम का रस हो अधर में,
आ तुझे चूमू कि जैसे प्रेम का रस हो अधर में, और मत वाला हो कोई, और मत वाला हो कोई, डूबता जाए भंवर में। आ तुझे मैं यूं निहारूं, आ तुझे मैं यूं निहारूं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई बंधु रामलोचन जी को। उनके गीतों में एक संदेश प्यार का, मिठास का, मनोहार का, दुलार का मिलता है। मैं तो चार पंक्तियाँ अपनी कहना चाहता कि उनके गीतों से प्रेरित होकर कि हम जमाने में प्यार बांटेंगे, हम जमाने में प्यार बांटेंगे, खुशबुओं की बहार बांटेंगे, जो मनुष्यता से मन भिगो डाले, जो मनुष्यता से मन भिगो डाले, गीत की वो फुहार बांटे। अब हमारे बीच जिस काव्य के व्यक्तित्व को आमंत्रित करना जा रहा हूं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि हमारे बीच का हमारा लाडला और आप सबका दुलारा कवि है भाई संजय जैन। संजय जी आए और आपको अपनी गजलों, अपने गीतों, अपने मुक्तकों से झुमाएं और धीरे धीरे आपके दिलों में उतर जाएं। आज तुम भी हो, हम भी हैं, चलो मिलकर कुछ साथ करते हैं। आज तुम भी हो, हम भी हैं, चलो मिलकर कुछ साथ करते हैं। तुम तालियों की बौछार करो, हम गजलों की बरसात करते हैं। एक ताज़ा गजल आपके सामने पेश करता हूँ। हमारी आँख से आंसू निकल जाते तो अच्छा था, हमारी आँख से आंसू निकल जाते तो अच्छा था, तुम्हारी ही तरह हम भी बदल जाते तो अच्छा था। हमारी आँख से आंसू निकल जाते तो अच्छा था, और तुम्हारी ही तरह हम भी बदल जाते तो अच्छा था। गए जब छोड़ कर हमको, नजद कर पाए हम तुमसे, गए जब छोड़ कर हमको, नजद कर पाए हम तुमसे, अगर बच्चों की मानिंद हम मचल जाते तो अच्छा था। हमारी आँख से आंसू निकल जाते तो अच्छा था। पता था क्या मिलेंगे गम हमें तोहफे में तुमसे भी, पता था क्या मिलेंगे गम हमें तोहफे में तुमसे भी, खिलौना मान कर उनको बहल जाते तो अच्छा था। हमारी आँख से आंसू निकल जाते तो अच्छा था। और न जाने किस लिए खाई हजारों ठोकरें हमने, न जाने किस लिए खाई हजारों ठोकरें हमने, अगर पहली ही ठोकर में संभल जाते तो अच्छा था। अगर पहली ही ठोकर में संभल जाते तो अच्छा था। हमारा दिल नहीं जलता उन्हें यूं देखकर अब तक, हमारा दिल नहीं जलता उन्हें यूं देखकर अब तक, तुम्हारे खत अगर पहले ही जल जाते तो अच्छा था, तुम्हारे खत अगर पहले ही जल जाते तो अच्छा था। शुक्रिया। और शेर देखें कि न जाने क्यों हिना बनकर रहे उसकी हथेली पर, न जाने क्यों हिना बनकर रहे उसकी हथेली पर, अगर हम रेत बनकर ही फिसल जाते तो अच्छा था। हमारी आँख के आंसू निकल जाते तो अच्छा था। और शेर बतौर खास, न खाते चोट हम इतनी जो दिल पत्थर नहीं करते,
न खाते चोट हम इतनी जो दिल पत्थर नहीं करते, अगर हम मोम बनकर ही पिघल जाते तो अच्छा था, हमारी आंख से आंसू निकल जाते तो अच्छा था। और गजल का मकता पेश है कि दिलों के टूटने का शोर होता क्यों नहीं संजय, दिलों के टूटने का शोर होता क्यों नहीं संजय, उन्हें भी तो पता चलता दहल जाते तो अच्छा था, हमारी आंख के आंसू निकल जाते तो अच्छा था, तुम्हारी ही तरह हम भी बदल जाते तो। शुक्रिया मित्रों। संजय जी किसी भी रस के मोहताज नहीं है, हर रस उनके शेरों पर उनकी गजलों में चढ़कर नाचता है, और उनकी गजलों में नाचता नहीं, जब उनकी गजलें आपके अधरों पर चढ़ती हैं तो किस प्रकार से वे झूमती हैं, मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं। ऐसा गजलकार वे संजय जी हैं। चार पंक्तियाँ उनके लिए कहना चाहता हूँ कि गजलों की रात लेके आया है, गजलों की रात लेके आया है, शेरे जज्बात लेके आया है, कौन सा दर्द पिया संजय ने, कौन सा दर्द पिया संजय ने जो ये बरसात लेके आया है। मित्रों अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो कवि निरंतर काव्य सरिता में अपनी गजलों का, अपने गीतों का प्रवाह निरंतर रखता है। ऐसा व्यक्तित्व तो है भाई दिल साहब हेमंत शर्मा दिल जी आए और अपनी गजलों की सरिता बहाएं। एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ, चार लाइनों से बात शुरू करता हूँ, देखिएगा। कि जब भी याद तुम्हारी आएगी थोड़ा सा रो लेंगे, जब भी याद तुम्हारी आएगी थोड़ा सा रो लेंगे, अपने गम को अपने ही अश्कों से जरा भिगो लेंगे, है तो थोड़ा मुश्किल हर एक याद मिटा देना दिल से, है तो थोड़ा मुश्किल हर एक याद मिटा देना दिल से, लेकिन दिल के जख्मों को हम खूए दिल से धो लेंगे, लेकिन दिल के जख्मों को हम खूए दिल से धो लेंगे। शुक्रिया। किता उम्र रोशनी को निहारा नहीं गया, किता उम्र रोशनी को निहारा नहीं गया, नजदीक चांद के कोई तारा नहीं गया, ये फासले मिटते कहाँ से बताए दिल, चश्मा गुरूर का जब उतारा नहीं गया, चश्मा गुरूर का जब उतारा नहीं गया, कुछ बताता नहीं जमाने, कुछ बताता नहीं जमाने को, कुछ बताता नहीं जमाने,
जो कहे हम से खिल खिलाने को, जो कहे हम से खिल खिलाने को, कुछ बताता नहीं जमाने को, कुछ बताता नहीं जमाने को, जो कहे हम से खिलखिलाने को, जो कहे हम से खिलखिलाने को। शेर देखें कि गम का दरिया छुपा के रखता है, कि गम का दरिया छुपा के रखता है, जो है मशहूर मुस्कुराने को, जो है मशहूर मुस्कुराने को, गम का दरिया छुपा के रखता है, जो है मशहूर मुस्कुराने को। ये शेर और देख लें कि जो सभी का बना हुआ संबल, जो सभी का बना हुआ संबल, जो सभी का बना हुआ संबल, सब लगे हैं उसे मिटाने को, सब लगे हैं उसे मिटाने को। और अगला शेर देखें कि आप तफसील पूछिए उनसे, आप तफसील पूछिए उनसे, आप तफसील पूछिए उनसे, क्या चुकाया है घर बनाने को, क्या चुकाया है घर बनाने को, हार जाता है जिंदगी कोई, हार जाता है जिंदगी कोई, हार जाता है जिंदगी कोई, है मोहब्बत यही बताने, है मोहब्बत यही बताने को, हार जाता है जिंदगी कोई, है मोहब्बत यही बताने को। एक चलो देख लें कि दफन कर दे ता ख्वाहिशें सारी, दफन कर दे ता ख्वाहिशें सारी, दफन कर दे ता ख्वाहिशें सारी, जो अहद कर लिया निभाने को, जो
जो अहद कर लिया निभाने को। उसका मकता देख लें कि देख कर उसकी खामोशी ऐ दिल, देख कर उसकी खामोशी ऐ दिल, देख कर उसकी खामोशी ऐ दिल, दिल न करता है दूर जाने को, दिल न करता है दूर जाने को, कुछ बताता नहीं जमाने को, जो कहे हम से खिलखिलाने को। आदरणीय दिल साहब की गजलों में आम आदमी की पीड़ा का जो स्वर मिलता है, दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि एक दर्द की आवाज है हमारी जिंदगी। आम आदमी की पीड़ा को लेकर वे जीते हैं और फिर कुछ उसको कलम बंद कर गजलों में पिरोते हैं। एक दर्द की आवाज है हमारी जिंदगी, टूटा हुआ एक साज है हमारी। और उनके शेर के लिए मैं कुछ बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कुछ बताता नहीं जमाने को, कुछ किस प्रकार की एक आम आदमी की एक दुखी मन की पीड़ा को उन्होंने जिया है अपने मतले में। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने एक आम आदमी की पीड़ा को अपने गजलों में पिरोके में लाए हैं। साधुवाद। कुछ बताता नहीं जमाने को, जो कहे हमसे खिलखिलाने को। बहुत बहुत बधाई दिल साहब को। और अब मैं अपने गीत के साथ, अपनी गजलों के साथ आपके सम्मुख आया हूँ। डॉक्टर जयसिंह आर्य, आप भी मेरे गीतों और गजलों का रसास्वादन कीजिए। मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सीखो होली पर बासंती रंग बिखराना, सीखो होली पर बासंती रंग बिखराना, सीखो कांटों में भी फूलों सा मुस्काना, के जन गण मन की जो धड़कन में रच जाए देशभक्ति के ऐसे गीत ही तुम गाना। सीखो होली हर गली खुशगवार हो जाए, हर गली खुशगवार हो जाए, बाग भी बाबहार हो जाए, बाग भी बाबहार हो जाए, कि तेरे उसका वादा करार हो जाए, उसका वादा करार हो जाए, दिल ये फिर बेकरार हो जाए, उसका वादा करार हो जाए, दिल ये फिर बेकरार हो जाए, छू के तेरे
बदन की खुशबू को छू के तेरे बदन की खुशबू को मस्त मोला बहार हो जाए, मस्त मोला बहार हो जाए, हो तेरा ऐतबार पर मुझ पर, हो तेरा ऐतबार गर मुझ पर, हो तेरा ऐतबार गर मुझ पर, फिर जहां से भी रार हो जाए, हो तेरा ऐतबार गर मुझ पर, फिर जहां से भी रार हो जाए, फिर जहां से भी रार हो जाए, प्रेम के रंगों से संवारो तो, प्रेम होली पर संदेश देना चाहता हूं इस दो शेर के माध्यम से, प्रेम के रंगों से संवारो तो, दिल ये फागुन फुहार हो जाए, प्रेम के रंगों से संवारो तो, दिल ये फागुन फुहार हो जाए, हर कली खुशगवार हो जाए, बाग भी बाबहार हो जाए। एक गीत किस प्रकार की होली लगातार 3-4 दशकों से हमारे देश में खेली जा रही है, उसको लेकर एक गीत लिखने का प्रयास किया है। चारों ओर है खून खराबा, चारों ओर लगी है आग, दानवता के आंगन में कैसे मानवता खेले फा, दानवता के आंगन में कैसे मानवता खेले फाग, के पहले कभी पूर्वज अपने प्यार की होली खेले थे, गली गली और चौराहों पर खुशियों के ही मेले थे, किंतु आज कल कैसी होली खेल रहे भारत के लोग, समय की उजली चादर पर जिसने छोड़े हैं गहरे दाग, समय की उजली चादर पर जिसने छोड़े हैं गहरे दाग, दानवता के आंगन में कैसे मानवता खेले फाग, दानवता के आंगन में कैसे मानवता खेले फाग, उग्रवाद की खूनी होली में कितने हैं लाल जले, अपने पन भाईचारे का आज अबीर गुलाल जले,
के चैन की बंसी बजे भी कैसे जब बंदूक उगले गोली। चैन की बंसी बजे भी कैसे जब बंदूक उगले गोली। के गांव गांव में घूम रहे हैं उग्रवाद के काले नाग। दानवता के आंगन में कैसे मानवता खेले फाग। के देश बचाना है तो भैया उग्रवाद का करो सामना। लोहे को लोहा काटे है फर्ज से अपने नहीं भागना। गुमराहों को रास्ते पर तो लाने का है यही रास्ता। होली तुम्हें जगाने आई जाग सके तो भैया जाग। होली तुम्हें जगाने आई जाग सके तो भैया जाग। दानवता के आंगन में कैसे मानवता खेले। मित्रों, विश्व के 65 देशों में हमारा ये ट्रू मीडिया चैनल जा रहा है और कविता के क्षेत्र में इसका ये सत्प्रयास काव्य सरिता जो है ये निरंतर अपनी छाप आप सबके दिलों दिमाग पर छोड़ता जा रहा है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कविता का होली पर ये हमारा कविता का रंगों का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? अगर इस कार्यक्रम ने आपके दिलो दिमाग को भिगोया हो तो आप इस कार्यक्रम के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे कवियों को उत्साह प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।